करेला भाजी के लिए रेडी। उसमें उसने फिर नमक डाल दिया थोड़ा सा हल्का सा। ये देखिए वाह, अरे क्या बात, इसमें तो पानी डाल दिया पूरा। थोड़ा कर्मा जी बताएंगे पानी डालने से क्या होगा? ये तो गीला करने के लिए, गीला करने के लिए। वो क्या दिया आपने, तिल? अरे बाप रे, वाह, अरे भाई साहब देखो, ये उसने हल्का सा सफ़ेद वाला तिल भी डाल दिया है। सफ़ेद तिल डाल के उसने बहुत गार्निशिंग किया। अभी देखिए, अरे भाई देखो, भाई देखो, ये करेला का भाजी, करेला भाजी बना रहा है ओ कर्मा। ये आपका आया करेला भाजा। ये करेला भाजा भी रेडी। अभी मैं एक टेस्ट करके बोलूंगा कि आपको कैसा हुआ है। एकदम पापड़ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गया। बढ़िया करेला भाजी, ये भाजी तो खिचड़ी के साथ 150 में। पापा जी बोल रहा है कि ये करेला भाजी और ये भिंडी भाजी फ्री में उसके साथ देगा, जैसे कि मोमो के साथ देता ना सूप, उसी तरह से ये सूप का पैसा नहीं लेता ना, फ्री है, इसी तरह से ये भी फ्री बोल रहा है। भिंडी का भाजा बना रहे भाई साहब कर्मा भाई साहब। अभी आपका दूसरा आइटम दिखा रहा हूँ। ये नमक डाल दिया इसमें, भिंडी में नमक डाल दिया। उसके बाद थोड़ा धनिया पाउडर और आपका ये आया जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्का सा। ये आमचूर पाउडर, ये आमचूर पाउडर थोड़ा खट्टा के लिए, ये हल्का थोड़ा खट्टा के लिए, थोड़ा टेस्ट अनुसार स्वाद अनुसार आपको आमचूर डाल दिया, आमचूर पाउडर। ये हल्दी भी दिया, टर्मरिक पाउडर। ये आमचूर का तो क्या आमचूर हो, ड्राई मैंगो पाउडर, आम का चूर बोल। और आपको इसमें वो भी दिया गरम मसाला पाउडर, ये भी दे दिया। और इसमें वो कर्मा जी वो भी डालेंगे बोल रहा है, इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च पर? ये ब्लैक पेपर, वो काली मिर्च वो भी दिया, ब्लैक पेपर ये भी दिया इसने। यह आया आपका दूसरा स्पेशल, फॉर्चून कंपनी का बेसन। इसका बेसन भी इसमें हल्का सा डालना चाहिए, चिपकने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए। इसमें आपको कॉर्नफ्लावर भी देना चाहिए, ऐसे हल्का सा वो उसके साथ कॉर्नफ्लावर भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह से इसे वो करना चाहिए। तो अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए इसे। ये उसने बहुत आइडिया से लगाया, बुद्धि लगाया, इसमें दिमाग लगाया। ये मॉकटू जो होता है मोमो बनाने के लिए ऐसे लगाया। ये चालने का भी काम करता है, जो इधर नीचे में आया जो भाग निकल रहा है, ये पतला सा हो गया इसलिए ये ज़्यादा मोटा नहीं हुआ, इसलिए ये बाहर आया, ये छलने का काम हो गया। और ये दूसरा उसमें लगाएगा, वो दूसरा काम में लगाएगा वो पाउडर, फिर बहुत बढ़िया दिमाग इसमें। अब ये तेल डाल दिया है। हम लोग क्या करते हैं तो जब भाजा बनाएंगे तो पूरा ये मोटा होता है, गीला होता है, इसका स्किन मोटा हो जाता है जब ये फ्राई करने को। अभी इसने बहुत दिमाग लगा के नीचे बनाया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखा लाल तो नहीं है, ये पाउडर है सिर्फ लाल वाला है ना, लाल। अभी देखिए उसने यहाँ शायद ये दूसरा आइटम भी बना रहे, अंडा करी। इसमें आप उसने दे दिया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, नमक। ये दूसरा आइटम है, एक ही साथ दो आइटम बना रहा है जल्दी जल्दी। ये लाल
लाल पाउडर भी दिया, वो एक ही शायद एक ही तेल में वो यूज करेगा, इसके लिए तेल का भी बचत, गैस का भी बचत और काम भी फटाफट। देखे उसका तेल रख काट के उसने उसमें डिब्बे में नहीं डाला, क्योंकि इसका रखने का तरीका देखे ये देखिए, इतना तेल लगा लगा कि इसमें क्या मालूम हो जाता है। देखिए ये कोई डस्टबिन में इसका रीयूज होगा, ये आग जलाने के लिए, फूल का पॉट बनाने के लिए, फूलदानी ऐसे करेंगे, इधर उधर नहीं गिरेगा, इसलिए इसने बहुत दिमाग लगा के इधर ऐसे रखा है। मैंने आप पहले बोला था आपको, जैसा नाम वैसा काम, इसका नाम कर्मा। और ये तेल एकदम से ज़्यादा टेस्ट के लिए उसने एक डाल दिया, डाल के दिखा था इसको, अभी बाजार में फ्राई कर रहे हैं अभी। और अब इसका शर्मा जी बोल रहा है कि इसका आधा भाजा बनाएंगे या आधा सब्जी बनाएंगे बोल रहा है, अभी देखता है, देखते हैं कि कैसे वो भाजा और सब्जी बनाते हैं। अभी शर्मा जी ने एक जो लगाया था वो टेस्ट किया, उसमें थोड़ा सा नमक कम था, इसलिए उसने हल्का सा फिर नमक डाल दिया। हल्का सा फ्राई दे रहा है, फ्राई हो रहा है, शायद कर्मा जी इसको डीप फ्राई करेगा जो अंदर तक पकने के लिए। अभी ये भिंडी भाजा रेडी हो गया, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया है और इसको निकालेंगे। ये भाजा देखिए अब रेडी हो गया, ये भाजा और एक हल्का से एक टेस्ट करके देखेंगे। देखिए बहुत बढ़िया भाजा हुआ, हमारा कर्मा जी ने पहले से भाजा टेस्ट किया, बहुत बढ़िया हो गया है ना, हम भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। बढ़िया है लेकिन थोड़ा इसमें तीखा कम है इसमें, क्योंकि इसमें मिर्ची कम डाला, फिर भी ये बहुत अच्छा है, हल्का सा क्रिस्पी है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप इसका कितना प्लेट करके देते हो कर्मा जी? खिचड़ी का साथ, खिचड़ी के साथ देंगे आप? हाँ ये 1 रुपये आपको खिचड़ी दाल भात, खिचड़ी दाल भात करके ये भाजा देके 150 लेते हैं। अच्छा